छह महीने में झंडे गाड़ना चाह रहे हैं आप? इसके लिए ऐसे कैसे तैयारी करें कि एग्जाम में झंडे गाड़ दें? झंडे गाड़ने झंडे तो तभी गड़ेंगे जब आप में वो सिंसियरिटी मैच्योरिटी होएगी। अब छह महीने लग गए एग्जाम के, तो कैसे तैयारी करें? छह महीने में झंडे गाड़ना चाह रहे हैं आप? हाँ तो बताओ कैसे तैयारी करें आप? देखिए, छह महीने तो मुझे लगता है आपको डिमोटिवेट करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन यूपीएससी में आप सोचें कि छह महीने में ही आप सब कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कम से कम एक साल डेढ़ साल तो आपको चाहिए कि आप एकदम सिंसियरिटी से और पूरी मेहनत से पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो डेढ़ साल एक साल तो आपको चाहिए। एक साल की प्रिपरेशन बस, और आधा में मतलब हाफ ईयर तो जब हम पेपर देते हैं उसमें ही हो जाता है। पहले प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें ही हो जाता है। देखिए, मैं बस यही कहूंगी कि रिवीजन अच्छे से करिए, मतलब जो आपको आता है उसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मैं अटेंड कर ले जाऊंगी। मेरा बेसिक इतना मैंने स्ट्रोंग किया था कि मेरे को ये था कि प्रीलिम्स में अगर बेसिक से कोई क्वेश्चन आया ना, संसद पे, राष्ट्रपति पे, राज्यसभा पे, वल्नरेबल एनिमल्स पे, IUCN पे, इन पे कुछ भी आया तो मैं कर ले जाऊंगी। मतलब बेसिक वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, मुझे ये था, क्योंकि करंट थोड़ा सा डायनेमिक होता है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद करंट मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको करंट नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि जिस चीज में आप एकदम कंफर्टेबल हैं उस पे मतलब ऐसी कमांड कर लीजिए कि वहां से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। कोई इंग्लिश अखबार पढ़ना नहीं आता, वो क्या करे? पढ़ना नहीं आता? हाँ। पढ़ना तो सीखना पड़ेगा। मान लो उसको आता ही नहीं हो तो फिर वो क्या करे? हिंदी का पढ़ लीजिए आप। मैं हिंदी का काम नहीं आता ना अखबार, इसमें हिंदी का मतलब करंट कहां से पड़े? मैंने बताया अभी कि देखिए, मैं द हिंदू पढ़ती थी, ऑलमोस्ट टॉपर्स ये रिकमेंड करते हैं या तो आप द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, लेकिन अगर आप इंग्लिश का नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको एनालाइज देख लीजिए। एनालिसिस तो हिंदी में होता है, वो तो आपको समझ में आएगा, या हिंदी भी नहीं आती है? नहीं मैम, वो तो आती है। आती है ना? यस मैम। तो एनालिसिस देख लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। जी, मैं अपने रिसोर्सेस बता दूं? हाँ, ताकि हमको गाइड मिल जाए एक बार। मतलब देखिए, रिसोर्सेस तो मेरे और भी जगह बहुत जगह हो सकता है, जैसे हमसे कोई चीज छूट रही हो और आपने वो पढ़ी हो तो हम उसको कवर कर ले अगर टाइम मिला तो। आप मुझसे बिल्कुल ज्यादा कवर कर लेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखिए आपके पास अपने कोचिंग के नोट्स हैं तो आप ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में मत पड़े। फिर भी अगर आपको मेरे जानने, और मैंने सिर्फ मैगजीन्स नहीं पढ़ी, मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है, और आप इतना पढ़ लीजिए बस, मोर देन इनफ है। मैं अपने रिसोर्सेज मतलब यही रहे हैं, NCERTs पढ़ी हैं, उसके बाद मतलब हर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स रही हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है, बिपिन चंद्र की दोनों बुक्स पढ़ी हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सॉरी फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों, और पॉलिटी के लिए पहले NCERT पढ़ी है, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और लक्ष्मीकांत सर की एक गवर्नेंस की भी आती है बुक, वो मैंने देखी थी, मतलब पूरी मैं पढ़ी नहीं लेकिन मैंने देख ली थी कि हाँ इसमें क्या क्या है। और उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर, पहले तो NCERT सब की, उसके बाद माजिद हुसैन सर, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी बुक है और थोड़ा सा पढ़ना होता है डिफिकल्ट, तो मैंने उसमें से सेलेक्टेड पढ़ा था मतलब, और मैंने ऑनलाइन भी बहुत पढ़ा था, मतलब जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था वो मैं ऑनलाइन कवर कर लेती थी, मतलब काफ़ी टाइम लगाती थी, अगर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मल्टीपल मतलब सोर्सेज से, लेकिन मैं कवर कर लेती थी।